क्या आपके लोग भी मिनिमम बिलिंग के बाद 2cc नहीं करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपनी कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज को बताने वाला हूँ, जिस सीक्रेट एक्टिविटीज को फॉलो करके मैंने बहुत सारे नोवस कस्टमर का 2cc करवा चुका हूँ। तो अगर आप भी मेरे सीक्रेट एक्टिविटीज को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, जब हमारा प्रोस्पेक्ट पूरा काम समझ लेता है और पूरा काम समझने के बाद जब वो एक मिनिमम बिलिंग का अमाउंट पे कर देता है, तो मिनिमम बिलिंग अमाउंट पे करने के बाद और जब तक उसकी 2cc की क्लोजिंग की मीटिंग नहीं हो जाती है, उससे पहले हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं। अगर आप वो सारे एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो फिर शायद आपका नोवस कस्टमर कभी भी 2cc नहीं करेगा। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो मिनिमम बिलिंग तो करवा लेते हैं, मिनिमम बिलिंग के अमाउंट तो ले लेते हैं, बट उसके बाद जो एक्टिविटीज़ करनी होती है ना, वो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के नोवस कस्टमर कभी भी वो अपना 2cc लेवल कंप्लीट नहीं करते हैं, राइट। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब एक प्रोस्पेक्ट अपना मिनिमम बिलिंग का अमाउंट पे कर देता है, उसके बाद आप लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को जो भी एक्टिविटीज बताने वाला हूं वो मेरा अपना पर्सनल खुद का एक्टिविटीज है, जो कि मैं फॉलो करता हूं, जिससे मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं और मेरा नोवस कस्टमर 2cc भी कंप्लीट करता है, ठीक है। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी की, ठीक है। तो गाइस हमारा सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना। जब एक प्रोस्पेक्ट अपना मिनिमम बिलिंग का अमाउंट पे कर देता है, उसके बाद हमारा सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है, अपने प्रोस्पेक्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना एक वेलकम मैसेज के साथ में, राइट। आप लोग भी करते होगे ये काम, 100% आप लोग भी ये काम करते ही हो कि जब एक प्रोस्पेक्ट अपना मिनिमम बिलिंग का अमाउंट कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आप उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हो। बट यहाँ पे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड तो कर देते हैं, बट अपने प्रोस्पेक्ट को ना एक चीज बताना भूल जाते हैं, जो कि बताना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो क्या बातें हैं, जब भी आप अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को, जब वो मिनिमम बिलिंग कर लेता है और जब आप उसको ग्रुप में ऐड करने के लिए जाते हो, तो ऐड करने से पहले और उनका वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कराने से पहले ना, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक बात बोल देनी है। ब्रदर देखो, अभी मैं आपको जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक रूल है। रूल ये है कि आप किसी को भी ना पर्सनल लेवल पे मैसेज नहीं कर सकते और ना ही आप किसी को पर्सनली कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए अभी मैं जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, उसके बाद आपको किसी भी गर्ल्स या बॉयज़ को पर्सनली मैसेज नहीं करना है और ना ही आपको किसी को पर्सनली कॉल करना है। अगर आप ऐसा करते हो और अगर आपके बारे में ऐसा कुछ पता लगता है कि आपने किसी को मैसेज किया है या फिर कॉल किया है ना, तो आपको उसी टाइम व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और फिर आप दोबारा हमारे WhatsApp ग्रुप में ऐड नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये बात आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझा देना, ठीक है। और साथ में एक चीज और भी बता देना कि ब्रदर, अगर आपको कोई पर्सनली मैसेज करता है ग्रुप से, तो आप सबसे पहले मुझे बताना उसको रिप्लाई करने से पहले। ये बात भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझा देना, नहीं तो होता क्या है कि जब हम अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जब ऐड करते हैं ना, तो उसके अंदर ना एक चुल मची रहती है लोगों को मैसेज करने का। तो वो करता है क्या, रेंडमली किसी भी गर्ल्स और बॉयज को ना मैसेज करना शुरू कर देता है कि भाई तुमने कब बिजनेस को शुरू किया, तुमने कितने पैसे से शुरू किया, ये बिजनेस फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके का मैसेज जो है ना, हमारा न्यू प्रोस्पेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोगों को मैसेज करना शुरू कर देता है। और इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट जो है ना, हमारा उसी टाइम से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। हो सकता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हों जो कि हमारे प्रोस्पेक्ट को ये चीज बता दे कि भैया ये ना, ये लोग जो है आपसे आगे और भी पैसे मांगेंगे। ऐसा होता है व्हाट्सएप ग्रुप में, बट आपको पता नहीं लगता कि यार ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोस्पेक्ट ने 2cc ही नहीं किया, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा जड़ होता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे वो नेगेटिव हो जाता है। कोई ना कोई उसको मैसेज कर देता है कि ब्रदर आगे आपसे और भी पैसे लेने वाले हैं ये लोग, ठीक है। ऐसी बातें हो जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में ही पर्सनल लेवल पे, ठीक है। इसीलिए फिर आपका प्रोस्पेक्ट जो है ना, बाद में 2cc करने से मना कर देता है, क्योंकि उसको ग्रुप में ही कोई ना कोई नेगेटिव कर देता है ये बोल करके कि भाई आगे भी तेरे से और पैसे लेने वाले हैं, ठीक है। जिसके वजह से फिर हमारा प्रोस्पेक्ट आगे 2cc नहीं करता है और बोलता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक सबसे बड़ा जड़ होता है, याद रखना, ठीक है। इसीलिए आप ये बात अच्छे से अपने प्रोस्पेक्ट को समझा देना कि ग्रुप में वो किसी को भी मैसेज ना करे, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने आपको सबसे पहला एक्टिविटी बताया कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है और उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का रूल समझा देना है कि किसी को भी मैसेज ना करे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे एक्टिविटीज की तरफ। दूसरा एक्टिविटी ये है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक वेलकम मैसेज के साथ, जब आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वेलकम करते हो, तो उसका आपको एक प्रॉपर अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने किस तरीके से लगाया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग इस तरीके का काम करते होंगे कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते होंगे, बहुत अच्छी बात है। बट आप लोगों को एक काम और भी करना है कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो व्हाट्सएप स्टेटस पे तो लगाते ही हो, साथ ही साथ आप क्या करो, आप अपने
इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाओ, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है जिन्होंने मिनिमम बिलिंग किया है, जिनका आपने वेलकम करवाया है, उसको आप मेंशन कर दो। अगर सामने वाले ने मेंशन बैक कर दिया तो आप समझो आपका काम आसान हो गया। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक वैल्यू देते हो। क्या देते हो? एक वैल्यू देते हो। आप अपने प्रोस्पेक्ट को जितना ज्यादा वैल्यू दोगे, उतना बढ़िया आपके साथ रिलेशन बिल्ड भी होगा और वो आगे 2CC भी करेगा। ठीक है, हम जब इस तरीके का काम करते हैं, जब हम उसको मेंशन करते हैं ना, तो उसको अच्छी फीलिंग आती है। उसे ये लग रहा होता है कि यार जो मेरे सर है वो मेरे को कितनी वैल्यू कर रहे हैं, और यही चीज तो हमें उसको सोचवाना है, यही तो हमें फीलिंग प्रोस्पेक्ट के अंदर लानी है, क्योंकि वही फीलिंग जो है ना प्रोस्पेक्ट की 2CC करवाता है। याद रखना, ठीक है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को कितना अच्छा फीलिंग दिलवा पा रहे हो, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आज के बाद से जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट का अपने ग्रुप में वेलकम करवाते हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ, और आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाओ, और अपने उसी प्रोस्पेक्ट को मेंशन कर दो। इससे आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेगा और प्रोस्पेक्ट हाईली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो गाइस ये मैंने आपको बताया दूसरी एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी सीक्रेट एक्टिविटीज की। तीसरी सीक्रेट एक्टिविटीज ये है कि जब भी आप अपने स्टोरी पे कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई मोटिवेशनल कोट्स जब आप लगाते हो ना, तो आप क्या करो, जितने भी लोगों ने मिनिमम बिलिंग किया है आपके साथ, उन लोगों को मेंशन करो। क्या करो? उन सभी लोगों को मेंशन करो जिन्होंने आपके साथ मिनिमम बिलिंग किया है। ठीक है, अपने नोवस कस्टमर को भी मेंशन करो। आप अपने अपलाइन को मेंशन करते हो ना, साथ ही साथ आप अपने नोवस कस्टमर को भी मेंशन करो। उन लोगों को अच्छी फीलिंग आती है, उन्हें ये लगता है कि आप उनको एक प्रॉपर वैल्यू दे रहे हो। बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते हैं, आज से करना शुरू कर देना, आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएगा और वो आगे 2CC भी कंप्लीट करेगा। मेरी बात याद रखना। ठीक है, तो गाइस अभी मैंने आपको बताया तीसरी सीक्रेट एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथी एक्टिविटीज की। चौथी एक्टिविटीज ये है गाइस, जब भी आपके नोवस कस्टमर के लिए जब भी कोई ट्रेनिंग्स होती है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ट्रेनिंग्स के लिए उसको कॉल करो कि ब्रदर आज आपकी एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए कॉल करो और प्रॉपर हाइप भी बनाओ कि वो ट्रेनिंग कौन पर्सन लेने वाले हैं और उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी नोवस कस्टमर के लिए कोई ट्रेनिंग होती है, तो हम सिर्फ लिंक भेज देते हैं और बोलते हैं कि भाई आज अटेंड कर लेना, ये आज आपके लिए ट्रेनिंग है, बट हम कॉल करते नहीं है उसको। ठीक है, और ना ही हम प्रॉपर मीटिंग की हाइप बनाते हैं। आज के बाद से जब भी कोई नोवस कस्टमर के लिए कोई भी मीटिंग या ट्रेनिंग होगी, तो आपको कॉल करना है, आपको अपने मिनिमम बिलिंग वाले लोगों को कॉल करना है और उनको बताना है कि ब्रदर आज आपकी ये ट्रेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, और प्रॉपर आपको ट्रेनिंग की हाइप भी बनानी है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप मीटिंग एंड स्पीकर की हाइप नहीं बनाओगे, तो आपका जो नोवस कस्टमर है वो मीटिंग को सीरियसली नहीं लेगा और वो फिर मीटिंग को अटेंड भी नहीं करेगा। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हमारे जो नोवस कस्टमर होते हैं जिन्होंने मिनिमम बिलिंग का अमाउंट पे किया होता है, वो 7:30 की मीटिंग्स या आपकी जो भी ट्रेनिंग होती है वो उसको अटेंड ही नहीं करता, क्योंकि आपने हाइप ही नहीं बनाई। समझ रहे हो मेरी बात? अगर वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा ना, तो उसका माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा 2CC के लिए। ये बात आप याद रखना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए ट्रेनिंग्स, जो नॉर्मल ट्रेनिंग्स होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोवस कस्टमर के लिए, क्योंकि नॉर्मल ट्रेनिंग से ही उसकी माइंडसेट बिल्ड होती है 2CC कंप्लीट करने के लिए। ये बात आप याद रखना। तो कोशिश करना एक भी ट्रेनिंग्स जो नोवस कस्टमर के लिए होती है वो ना छूटे और वो सारे मीटिंग्स को अटेंड करे, तभी वो जाके 2CC कंप्लीट करता है। मेरी बात समझ आ गई? सो गाइस अब हम बात करते हैं पांचवे सीक्रेट एक्टिविटीज की। पांचवा सीक्रेट एक्टिविटीज ये है गाइस कि जब भी आपका नोवस कस्टमर या फिर जो मिनिमम बिलिंग वाले लोग होते हैं, जब वो मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको रिव्यू लेनी है कि आज की जो आपने मीटिंग अटेंड करी है वो आपको कैसा लगा, क्या समझ आया, जो पर्सन ने मीटिंग लिया उनकी जर्नी में आपको क्या बढ़िया लगा। आपको रिव्यू लेना पड़ेगा। अगर आप रिव्यू नहीं लोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि आज की मीटिंग में उसको बढ़िया क्या लगा, तभी तो आप उसको पिच कर पाओगे ना 2CC के लिए कि भैया आज की जो आपने मीटिंग ली है, जो पर्सन ने आज मीटिंग लिया ना, उन्होंने पहले 2CC अपना कंप्लीट किया था, तब जाके आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये काम बहुत ज़्यादा करता हूँ, मीटिंग के बाद मैं रिव्यूज लेता ही लेता हूँ, क्योंकि उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और मुझे एक पॉइंट भी मिलता है 2CC पिच करने के लिए। ठीक है, तो आज के बाद से जब भी आप अपने नोवस कस्टमर को या फिर मिनिमम बिलिंग वाले लोगों को कोई मीटिंग अटेंड करवाओगे, तो मीटिंग अटेंड करवाने के बाद आपको कॉल करके रिव्यू जरूर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट 2CC करे, तो रिव्यू जरूर ले लेना। ठीक है, सो गाइस अब हम चलते हैं छठे सीक्रेट एक्टिविटीज़ की तरफ। छठा सीक्रेट एक्टिविटीज़ ये है कि जब एक प्रोस्पेक्ट मिनिमम बिलिंग अमाउंट पे कर देता है ना, उसके बाद आपको डेली कम से कम 5-10 मिनट उनसे कॉल पे बात करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेमेंट तो ले लेते हैं मिनिमम बिलिंग की, उसके बाद उसको भूल जाते हैं, उसको फिर कॉल ही नहीं करते। ठीक है, आप लोग ये गलती मत करो। डेली बेसिस पे आपको उनसे बातचीत करनी है। सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं करना, आपको नॉर्मल टॉक भी करना है, उसके लाइफ के बारे में और जानना है। ठीक है, उसके कैरियर के बारे में और जानो। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन आपको डेली 5-10 मिनट तो बात करनी ही करनी है।
ठीक है, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए कि आपने अपने नोवस कस्टमर से बात ना करी हो, डेली आपको बात करनी है, ठीक है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने सातवें सीक्रेट एक्टिविटीज की तरफ, और सातवां सीक्रेट एक्टिविटीज ये है गुड मॉर्निंग विथ मोटिवेशनल कोट्स एंड मोटिवेशनल वीडियो। जब भी आप अपने नोवस कस्टमर को गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के साथ में गुड मॉर्निंग मत करो, कुछ मोटिवेशनल रील या फिर कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ में गुड मॉर्निंग करो। इससे फायदा ये होगा कि उसका माइंडसेट बिल्ड होगा इस बिजनेस को करने के लिए, और आपको उसी टाइप की ही मोटिवेशनल कोट्स और मोटिवेशनल वीडियो भेजनी है जो उसके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाए इस बिजनेस को करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के साथ में गुड मॉर्निंग नहीं करनी, मोटिवेशनल वीडियोस या फिर कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ में आपको गुड मॉर्निंग करनी है। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आपके प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट भी बिल्ड होगा इस बिजनेस को करने का। सो गाइस ये थे कुछ 7 सीक्रेट एक्टिविटीज जिसको मैं बहुत ही ज्यादा फॉलो करता हूं और अपने नोवस कस्टमर की 2CC करवाता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नोवस कस्टमर 2CC करे, तो आपको भी ये सारे एक्टिविटीज को फॉलो करना पड़ेगा। बट सिर्फ इतने ही एक्टिविटीज से काम नहीं चलने वाला मेरे दोस्त, इसके बाद तो मेन गेम शुरू होता है, और वो मेन गेम क्या है? 2CC क्लोजिंग की मीटिंग। जब तक आपका प्रोस्पेक्ट 2CC क्लोजिंग की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, तब तक आपका प्रोस्पेक्ट तो 2CC करेगा ही नहीं। आप देखो 2CC की क्लोजिंग की जो मीटिंग है ना, वो दो तरीके से होती है। या तो आप सेल्फ 2CC क्लोजिंग मीटिंग कर सकते हो, या फिर आपके कोई अपलाइन होंगे वो 2CC की क्लोजिंग की मीटिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ 2CC की क्लोजिंग की मीटिंग करना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप सेल्फ 2CC की क्लोजिंग मीटिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप उस वीडियोस को देखना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।